किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खुला खत। किसानों के बीच फैले भ्रम से कृषि मंत्री ने पर्दा उठाया। कृषि मंत्री ने किसानों को 8 आश्वासन दिए, कहा एमएसपी पर केंद्र सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजार पर टैक्स लगाने की इजाजत मिल सकती है। किसानों के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प होगा। कृषि मंत्री ने कहा कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। कानून जमीन के ट्रांसफर, लीज रखने, गिरवी और बिक्री की इजाजत नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री के पत्र को रीट्वीट किया, किसानों से खत पढ़ने की अपील की। कृषि मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। किसान आंदोलन के बीच किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। 23,000 पंचायतों में होगा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण। राहत राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन हुई सुनवाई। कोर्ट में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया। नए कानूनों के बारे में कमेटी को दोनों पक्षों से बातचीत की सलाह। कमेटी में किसान यूनियन के लोग भी शामिल होंगे। विशेषज्ञ सरकार और किसानों को देंगे निष्पक्ष राय। सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर सुनवाई करेगा। सीजीआई ने कहा किसानों के प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकार तय करेंगे। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा प्रदर्शन किसानों का मौलिक अधिकार है लेकिन रास्ता बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा जब तक प्रदर्शन हिंसक नहीं है तब तक पुलिस बल प्रयोग न करे। सुप्रीम कोर्ट की किसानों को सलाह, किसानों का मकसद बात करके ही पूरा हो सकता है, विरोध का कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर छोड़ा आंदोलनकारियों के शहर में एंट्री का मामला। सीजीआई ने कहा कानून व्यवस्था का मामला है, कोर्ट या सरकार तय नहीं कर सकते। दिल्ली असेंबली के स्पेशल सेशन में जबरदस्त हंगामा। आपके विधायकों ने स्पीकर के सामने आकर कानूनों की कॉपी फाड़ी। विधायकों ने काले कानून को वापस लेने की मांग की। असेंबली में जय जवान जय किसान के नारे लगे। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने भी कानून की कॉपी फाड़ी, कहा कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसानों को और कितना त्याग करना पड़ेगा। केजरीवाल बोले भगत सिंह के पिता और चाचा ने लड़ाई लड़ी थी, आज हर किसान भगत सिंह बन चुका है। केजरीवाल ने विधानसभा से योगी आदित्यनाथ पर भी वार किया, कहा किसानों को होने वाला फायदा समझाएं। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा किसान देश में कहां जाकर अपनी फसल बेचेंगे। केजरीवाल बोले क्यों महामारी में कानून पास किए, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, किस बात की जल्दबाजी। केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा 20 दिन में 20 किसानों की मौत हुई, केंद्र अब क्या कानून वापस लेगा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला, कहा 23 नवंबर को दिल्ली सरकार ने कानून को दी थी इजाजत, अब विरोध किया। बरेली में किसान सम्मेलन में योगी का किसानों को भरोसा, कहा मंडियों को खत्म करने का सवाल ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा मंडी से बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राज्य में अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। योगी बोले यूपी में किसानों की 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई, उपज खरीदने के लिए खरीद केंद्र बनाए गए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुसाइड करने वाले संत राम सिंह को 20 दिसंबर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। किसान नेताओं का आरोप बीजेपी हमारे आंदोलन को बदनाम कर रही है, किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान किसानों के सम्मान की बात आई। नरेश टिकैत ने कहा किसान 2 कदम पीछे हट जाएंगे, पहले सरकार अपने कदम पीछे ले। शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिकते नहीं, किसानों के बहाने बंदूक चला रहे हैं। संत राम सिंह के समर्थक भावुक हुए, कहा संत राम सिंह को किसानों का दुख देखा नहीं गया। संत राम सिंह के खुदकुशी का मामला, स्थानीय लोगों ने कहा बाबा राजनीति से दूर रहते थे, चिट्ठी में सियासी बातें शक पैदा करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक सलून मालिक किसानों को दे रहा है फ्री सेवा, आंदोलन के समर्थन में बंद की अपनी दुकान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए। बंगाल में बवाल, आसनसोल के मेयर और तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जितेंद्र तिवारी बोले काम नहीं करने दिया जा रहा था, विधायक पद पर बना रहूंगा लेकिन मेरा टीएमसी से कोई संपर्क नहीं। टीएमसी सांसद सुनील मंडल और शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात पर बोले जितेंद्र ये बैठक राजनीतिक नहीं थी। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपतांशु चौधरी ने भी ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। बंगाल से 3 IPS को बुलाने पर केंद्र और राज्य में तकरार, गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 IPS अफसरों का तबादला किया। गृह मंत्रालय के नोटिस से बंगाल सरकार का हवा, ममता ने ट्वीट करके जताई आपत्ति, कहा केंद्र सरकार ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया, विधानसभा स्पीकर ने कहा नियम मुताबिक किसी को इस्तीफा नहीं दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, कहा संसदीय समिति के सामने बोलने नहीं दिया गया। बुधवार को संसदीय समिति की बैठक से राहुल ने किया था वॉकआउट, स्पीकर से दखल देने की मांग। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने किया राहुल का समर्थन, कहा चीन पर बात नहीं करना चाहती सरकार। मनोज तिवारी मानहानि केस का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की याचिका खारिज की। अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन का मामला, आप नेता आतिशी और राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विज्ञापन विवाद का मुद्दा उठाया, कहा घोटाले का आरोप लगाने वालों पर ही हो सकता है मानहानि का केस। मीनाक्षी ने इशारों में केजरीवाल और राहुल पर निशाना साधा, एक शायरी लिखते हुए कहा कि इश्तेहारों ने दिखा दी चेहरों की असलियत। इसरो के नाम एक और कामयाबी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च। सैटेलाइट को PSLV C-50 रॉकेट से छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। लॉन्चिंग के समय सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहे, इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों को बधाई। सरकार ने दी प्याज निर्यात के नियमों में छूट, आयात में छूट के नियमों को 31 जनवरी तक बढ़ाया गया।
गणतंत्र दिवस के दिन रखी जाएगी अयोध्या मस्जिद की नींव, जल्द होगा ब्लूप्रिंट रिलीज। रक्षा मंत्री ने दी 28,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्ताव को मंजूरी, डीआरडीओ करेगा डिजाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा फिर शुरू, इलाके में के व्यापारियों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26 मार्च को ढाका में रहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण पिलर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना पहले दिन से हमारी प्राथमिकता, बोले दोनों देश कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा, वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। भारत चीन तनाव पर विदेश मंत्रालय ने बातचीत के जरिए जल्द समझौते की उम्मीद जताई। पंजाब के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की साजिश, अटारी बॉर्डर पर 2 घुसपैठिए ढेर। घुसपैठियों के पास से AK-56 मैग्नम राइफल और मैगजीन बरामद, पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में जैन मंदिर में चोरी, 2 चोरों ने करीब 1.5 लाख की 16 मूर्तियां चुराई। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की उम्र सीमा को लेकर राहत दी गई। स्पेशल कोर्ट में इकबाल मिर्ची की पत्नी और बेटों को नोटिस भेजा गया, 16 फरवरी को पहले पेश होने का आदेश। श्रीनगर में पहले तैरने वाली एम्बुलेंस सेवा लॉन्च, नाव पर इलाज का सामान होगा और टोल फ्री नंबर भी होगा। असम के दिसपुर में इंडियन आर्मी के अफसर के साथ चाकूबाजी, रेस्टोरेंट में एक गुट के साथ था विवाद। ओडिशा में नक्सलियों ने एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या की, 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया। हैदराबाद में 3 परिवारों ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद, संयुक्त अरब अमीरात में फंसे परिवार वालों को वापस लाने की मांग। लखनऊ में डिपो के पास खड़ी 3 लग्जरी बसों में भीषण आग, आग लगने की वजह साफ। देश में कोरोना के 24,010 नए केस, 355 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,363 नए मामले, 35 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 620 नए केस, 9 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 534 नए मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच के लिए WHO की टीम चीन जाएगी, जनवरी में शुरू हो सकती है जांच। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हुआ कोरोना, 7 दिन के आइसोलेशन पर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को लेकर ट्वीट किया, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा उम्र ज्यादा होने की वजह से अभी वैक्सीन का डोज नहीं लिया। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू, हेल्थ मिनिस्टर ने लगवाया पहला टीका। चीन का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों को लेकर धरती पर वापस लौटा, 40 साल बाद मिले फ्रेश सैंपल। रूस के राष्ट्रपति ने विपक्षी नेता एलेक्सी नेवलिनी को अमेरिकी एजेंट कहा, अमेरिकी चुनाव में मेरा कोई दखल नहीं। नेवलिनी को जहर देने के मामले में भी बोले पुतिन, कहा मेरा कोई हाथ नहीं, सारे आरोप गलत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 बिलियन का लोन चुकाया, चीन से पाकिस्तान ने लिया था कर्ज। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका बर्फबारी से परेशान, वर्जीनिया से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लोग परेशान। उत्तरी जापान में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में बत्ती गई। दक्षिण प्रांत महासागर के देश फिजी में जबरदस्त तूफान आया, एक रात का कर्फ्यू लगाया गया। फिजी में लोगों को समंदर के तटों के पास न जाने की चेतावनी दी गई, तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। इकॉनॉमी के लिए एक और अच्छी खबर, एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 49% का उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर हुआ, 73.59 रुपये पर बंद। सेंसेक्स में 228 अंकों का उछाल, रिकॉर्ड 46,890 पर बंद सेंसेक्स। निफ्टी में भी 58 अंकों की बढ़त। योगासन को देश में मिली प्रतियोगी खेल की मान्यता, खेलो इंडिया में शामिल होगा। और दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन, अमीर खुसरो के साथ मानी जाती है दिल्ली घराने की शुरुआत।